कतरा कतरा दरिया में शवर वो लाने वाला आ रहा है तो हरिया का लड़का होता है ना होता है हाँ सुंदर सुंदर आएगा धीरे धीरे आएगा धीरे धीरे आएगा नहीं जल्दी जल्दी थोड़ा देर आप आइएगा तो हम भी और गर्म हो जाएंगे तो जंजीर बोलती रही डर बोलता रहा लौटे तो मेहानी का हर बोलता रहा हर रागे यजीद के सब लश्करों से बा नेजे पे जब हुसैन का सर बोलता रहा नेजे पे जब हुसैन का सर बोलता रहा और शजर बोलता है हजर बोलता है शजर बोलता है हजर बोलता है नबी या नबी हर बशर बोलता है नबी या नबी हर बशर बोलता है मैंने अभी अभी शायद करीना की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है कुल इन कुल तो तुहु नल्ला फतबी हो नी तुमल्ला ऐ लोगों को अगर तुम अल्लाह को प्यार करना चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो अल्लाह से अदब करना चाहते हो अल्लाह से इश्क करना चाहते हो अल्लाह से खालो बशा करना चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो नबी फरमाते हैं इन कुल तुम तुहु नल्ला अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो राजी हो जाएगा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा अल्लाह तुमसे इश्क करने लगेगा अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम नबी की पैरवी करोगे नबी की अताअत करोगे नबी की फरमाबरदारी करोगे नबी के बताए हुए कदम पे चलोगे नबी के हर एक शरीयत को मानोगे तो युहिब्बुल्लाह अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा युहिब्बुल्लाह अल्लाह तुमसे प्यार करेगा और यही वजह है मौलानी ने मुस्तफा से इश्क किया मौलानी ने नबी से इश्क किया तो मकाम ये हुआ आगे देखो क्या मकाम था हिजरत की रात रहमतों की बरसात और मेरे नबी मक्का से मदीना अब हिजरत फरमाएंगे अल्लाह का हुक्म हुआ हुआ है नबी आप हिजरत करें क्योंकि मक्का में मेरे नबी को बहुत ज्यादा सताया जा रहा था जुल्म और सितम का दौर दौरा पड़ गया था मेरे नबी को जब लोग सताने लगे कुफार तो अल्लाह का हुक्म हुआ है नबी आप हिजरत करो मदीने की तरफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में है और उसी रात नबी को मारने के लिए एक वो नहीं 40 काफिर यानी 40 काफिर तेरे नबी को मारने के लिए उस घर के चारों तरफ इर्द गिर्द फैले हुए हैं छिपके बैठे हैं
और हमारे नबी निकले और कत्ल करे, नबी निकले तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का कत्ल करेंगे, और इनाम रख दिया गया था जो कत्ल करेगा उसे माला माल कर दिया जाएगा। और सब यही रात में थे, पहले मैं मारूंगा, पहले मैं मारूंगा, पहले मैं मारूंगा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जिसे खुदा बचा ले दुनिया नहीं मार सकती, बचा ले उसे कोई नहीं मार सकता, कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसे खुदा बचा रहा है। मैं जल्दी जल्दी में आपको बता रहा हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ कि आप हिजरत करो, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकलते हैं। कुरान कहता है वो मां रमैता इधर रमैता वाला के अल्लाह रमा, कि मेरे नबी ने कंकड़ी उठाई, कुछ कंकड़ी उठाई। प्लीज इधर देखिए, इधर इधर इधर, वो तो बाद में होगा फातिहा के बाद, पहले अभी हम खड़े हैं, पहले हमको देख लीजिए, वो फातिहा के बाद वाला है। तो पहले हुजूर ताजदार रमैया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से निकले, और कुरान कहता है वो मां रमैता इधर रमैता वाला के अल्लाह रमा, कंकड़ी उठाई, पत्थर उठाई और यूं फेंका, जैसे फेंका कि नबी-उल फार के आंखों से इस तरह ओझल हो गए कि कुछ दिखाई नहीं पड़ा। नबी तो बिस्तर में सो रहे थे, आराम कर रहे थे, हुक्मा हिजरत करो, और इधर काफिर फिर बाहर आदमी बैठे हुए हैं, नजरे जमाए बैठे हैं कि नबी निकले तो मारे, निकले तो मारे, निकले तो मारे, और मेरे आया यहाँ से चले गए। लेकिन इसे अब पता नहीं, और जाने से पहले जिसने नबी से इश्क किया, वो मौला अली जिसने नबी से प्यार किया, नबी से मोहब्बत की, अल्हम्दुलिल्लाह अली वाले हैं। अली तो ऐसे कि जब पैदा हुए तो पैदा होते ही मौला अली को देखा नहीं, करिए सुभानअल्लाह। बेटा आज किसी का बेटा इंशाअल्लाह इशारा समझ रहे हैं, 29 हो गया, एक मिनट में खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि खाने पीने की भी दावत है, अंदर आइए बाद में सलाम कीजिएगा, खाने पीने की भी दावत है, आप बैठ जाइए, ये आखिरी जुमला है, उसके बाद खत्म है, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। तो हजरत मौला अली पैदा हुए, पैदा होते किसी को देखा नहीं, ना माँ को देखा, ना बाप को देखा, ना किसी और को देखा। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके घर में भाई पैदा हुआ है, अली पैदा हुआ है, और उसकी आंखें नहीं खुल रही है। मेरे आया गए और आंखों में पे ध्यान डाल दिया, सुभानअल्लाह, पे ध्यान डाला, सुभानअल्लाह, जो भी डालना था अली ने आंखें खोली। अल-मुतसर काफी दिनों के बाद अली से पूछा, मेरे आया गए, हाय अली तू पैदा होते ही क्यों आंखें नहीं खोला था? अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने इसलिए आंखें नहीं खोली कि मैं दिल में इरादा कर रहा था कि जब मैं पहले देखूंगा तो मेरी नजर आपके चेहरे पर, इंसान को देखूंगा तो पहले मैं आपको देखूंगा, इसलिए पैदा होते ही, पैदा होते ही मैंने नहीं देखा, क्या हो गया।